नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। अपने इस खास शो संदीप का समीकरण में आज हम आपको उत्तर प्रदेश के जिले और उसके अंदर आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के राजनीतिक समीकरण के बारे में बताएंगे। इसी कड़ी में बात करेंगे हरदोई जिला और उसके अंदर आने वाले 8 विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरण के बारे में। पुराणों में उल्लेख है कि जब हिरण कश्यप को वरदान मिला कि वह साल के 12 माह में कभी ना मरे, तो भगवान ने मलमास की रचना की। उसके बाद ही नरसिंह अवतार लेकर भगवान ने उसका वध किया। हरदोई नाम परा है हरिद्रोही से, अर्थात जो भगवान से द्रोह करता हो। कहते हैं कि हिरण कश्यप ने अपने नगर का नाम हरिद्रोही रखवा दिया था। हरदोही जिला भौगोलिक दृष्टि से लखनऊ और कानपुर के मध्य में बसा हुआ है। हरदोई का उत्तर प्रदेश की सियासत में अहम योगदान रहा है। यहाँ के राजनेता कभी उत्तर प्रदेश की सरकारों को बनाने और गिराने के लिए चर्चा में रहते थे। भारत की आज़ादी के क्रांतिकारी आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयदेव कपूर शिव वर्मा और हरि बहादुर श्रीवास्तव जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी इसी जनपद के रहने वाले थे। हरदोई जिला के अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें आती हैं। मौजूदा परिस्थिति में 7 विधानसभा पर पिछले चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे, जबकि हरदोई सदर की सीट पर समाजवादी पार्टी ने विजय हासिल की थी, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। अब बात करते हैं सवा यजपुर विधानसभा सीट के बारे में। सवा यजपुर विधानसभा सीट महत्वपूर्ण सीट है। इसका कारण यह है कि इस सीट पर किसी एक दल का कब्जा नहीं रहा। यहां जनता किसको सिर माथे पे बैठाएगी कोई नहीं जानता। इस विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 2012 में हुआ था। इससे पहले यह बिलग्राम और शाहबाद विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था। उस समय यहां 1952 में कांग्रेस से पहली बार चंद्रहास मिश्रा चुनाव जीते थे। 2002 के चुनाव में जनता ने फिर सपा के विश्राम सिंह यादव को जिताया। वहीं 2007 में बसपा से उपेंद्र तिवारी ने जीत दर्ज की। 2008 के चुनाव में रजनी तिवारी यहां से चुनाव जीती। 2017 के हुए चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के मध्य हुआ। बसपा ने भी इस सीट पर मुकाबले में आने की भरपूर कोशिश की। मोदी लहर में बीजेपी के माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू को 92,601 मत, जबकि उनके प्रतिद्वंदी सपा के पदमराग सिंह यादव को 65,631 मत मिले, जबकि बसपा के फरुखाबाद जिले के बाहुबली में सुमार अनुपम दुबे को 59,791 मत मिले। इस तरह से माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू लगभग 27,000 मतों से चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे। इस विधानसभा सीट पर कुल मतदाता की संख्या 3,44,991 है। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ की 40% आबादी पिछड़ों की है, जिसमें यादवों की संख्या सबसे ज्यादा है। कुल यहाँ करीब 1.80 लाख पिछड़े वर्ग के मतदाता हैं। यहाँ करीब 70,000 ब्राह्मण और 50,000 ठाकुर मतदाता हैं। मुस्लिमों की आबादी लगभग 30,000 है। जनता की चुनावी मुद्दे की बात करें तो आसपास कई नदियों की वजह से यह क्षेत्र हमेशा बाढ़ ग्रस्त रहता है और बाढ़ की समस्या से जूझना पड़ता है, जो कि जनता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। 2022 विधानसभा चुनाव में राजवर्धन सिंह कांग्रेस से, माधवेंद्र प्रताप रानू बीजेपी से, पंडाराज सिंह पप्पू सपा से, डॉक्टर राहुल तिवारी बसपा से मैदान में है। अब बात करते हैं शाहबाद विधानसभा सीट के बारे में। शाहबाद विधानसभा सीट पर 1996 से 2000 तक सपा का कब्जा रहा है, लेकिन इसके बाद कभी इस सीट पर कोई पार्टी लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीत सकी। वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा के बाबू खान ने बसपा के असीफ खान को 11,134 वोटों के मार्जिन से हराया था। शाहबाद हरदोई लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। इस विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 1952 में हुआ था। 1957 से 1908 तक इस निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक सीटें थी। चुनाव 2000 के उपचुनाव में सपा के काशीराम ने जीत दर्ज की थी। 2002 के चुनाव में भाजपा के गंगा भक्त सिंह और सपा के काशीराम यहां से विधायक बने। इसके बाद 2007 में बसपा के असीफ और भाजपा के काशीराम यहां से विधायक चुने गए। 2012 में सपा के टिकट पर बाबू खान ने जीत हासिल कर विधानसभा का सफर तय किया। 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा छोड़कर बीजेपी में आई विधायक रजनी तिवारी को यहां चुनावी मैदान में उतारा।
जिनका बसपा के आसिफ खां बब्बू से काफी करीबी मुकाबला रहा। बीजेपी की प्रचंड लहर में रजनी तिवारी यहां से जीतने में कामयाब हुई। भाजपा की रजनी तिवारी को 99,624 मत मिले, जबकि उनके विरुद्ध बसपा के आसिफ खान उर्फ बब्बू को 95,364 मत मिले। शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में हर जाति वर्ग के लोग निवास करते हैं। साल 2019 के आंकड़ों के मुताबिक इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,48,620 मतदाता हैं, जिसमें 1,86,549 पुरुष हैं और 1,62,058 महिलाएं हैं। अनुमानों के मुताबिक करीब 13% ब्राह्मण है, 11% क्षत्रिय, 7% यादव, 4% वैश्य, 21% मुस्लिम मतदाता हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में अजीमुसान कांग्रेस से, श्रीमती रजनी तिवारी भाजपा से, आसिफ खान बब्बू सपा से, अहिवरान बसपा से और कमल कुमार शुक्ला आम आदमी पार्टी से मैदान में हैं। अब बात करते हैं हरदोई विधानसभा सीट के बारे में। हरदोई विधानसभा सीट वह सीट है जिस पर बीते कई वर्षों से नरेश अग्रवाल और उनके परिवार का ही दबदबा रहा है। वर्तमान में इस सीट पर नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल विधायक रहे, जिन्होंने 2017 के मोदी लहर में सपा के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक का पद हासिल किया। आजादी के बाद से अब तक इस सीट पर पहले कांग्रेस, फिर सपा, या यूं कहे कि नरेश अग्रवाल का ही एक छत्र राज रहा। पिछले चुनाव परिणाम को देखें तो 1989 से अब तक पार्टी कोई भी रही हो, जीत नरेश अग्रवाल और उनके बेटे की ही हुई है। इसके बाद 1980 में पूर्व विधायक श्री चंद्र अग्रवाल ने अपने बेटे नरेश अग्रवाल को कांग्रेस से चुनाव लड़ाया। इसमें नरेश अग्रवाल ने जीत हासिल कर राजनीति में कदम रखा। 1989 में कांग्रेस ने नरेश अग्रवाल को टिकट ना देकर फिर उमा त्रिपाठी को प्रत्याशी बना दिया। इससे नाराज नरेश अग्रवाल ने कांग्रेस छोड़ा और निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद गए और जीत कर अपने वर्चस्व का ऐलान कर दिया। 1991 में कांग्रेस ने नरेश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया और वो फिर विधायक बने। इसके बाद 1993 के चुनाव में सपा और बसपा के गठबंधन के बावजूद कांग्रेस के नरेश अग्रवाल ने जीत हासिल की। 1996 में नरेश अग्रवाल ने कांग्रेस और बसपा संयुक्त प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस सरकार में नरेश अग्रवाल को ऊर्जा मंत्री बनाया गया था। वहीं 2002 में नरेश अग्रवाल सपा के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत हासिल की। 2007 में भी नरेश अग्रवाल ने सपा से चुनाव लड़ा और विधायक बने। 2008 में नरेश अग्रवाल ने अपने बेटे नितिन अग्रवाल को राजनीति में लॉन्च किया। वहीं 2008 में हुए उपचुनाव में बसपा के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ रहे नितिन ने जीत हासिल की थी। इसके बाद 2012 के चुनाव में नितिन अग्रवाल ने सपा से जीत हासिल की। हरदोई विधानसभा सीट साल 2017 के चुनाव में पारंपरिक रूप से नरेश अग्रवाल के परिवार के खाते में जाने वाली इस सीट पर नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल तीसरी बार सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। उनका मुकाबला मोदी लहर में बीजेपी के राजा बख्श सिंह से हुआ। सपा उम्मीदवार नितिन अग्रवाल ने 97,735 मत, जबकि उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी के राजा बख्श सिंह को 92,626 मत मिले, जबकि सपा के धर्मवीर सिंह पन्ने को 30,628 मत मिले। इस तरह से नितिन अग्रवाल करीबी मुकाबले में 5,000 से अधिक मतों से जीतकर इस पुश्तैनी सीट को बचाने में कामयाब हुए। अब नितिन, राजा बख्श और धर्मवीर सब बीजेपी में हैं। चुनावी मुद्दे की बात करें तो हरदोई में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इससे लोगों में खुशी तो है, लेकिन जिला अस्पताल में चिकित्सा सुविधा बेहतर नहीं है। कई दशकों से बंद चीनी मिल को खुलवाने के लिए भाजपा शासन में मांग उठी, लेकिन अब तक यह मांग पूरी नहीं हो पाई है। हरदोई नगर पालिका का कार्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए सालों से प्रस्ताव लंबित है, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिल पाई है। 2022 विधानसभा चुनाव में आशीष सिंह सोमवंशी कांग्रेस से, नितिन अग्रवाल भाजपा से, अनिल वर्मा सपा से, शोभित पाठक बसपा से और सुशील कुमार पांडे आम आदमी पार्टी से मैदान में हैं। अब बात करते हैं गोपामऊ विधानसभा सीट के बारे में। गोपामऊ विधानसभा क्षेत्र का गठन 1952 में हुआ। इस साल यहां चुनाव भी हुए थे। इस चुनाव में कन्हैया लाल वाल्मीकि विधायक बने। वहीं 1957 में भी यहां से कन्हैया लाल वाल्मीकि ही दोबारा विधायक बने। इसके बाद 1962 में जनसंघ के परमाई लाल इस सीट से विधायक रहे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी प्रभु दयाल को मात्र 260 वोटों से चुनाव हराया था। इसके बाद सन 1967 में गोपामऊ विधानसभा सीट का अस्तित्व समाप्त हो गया।
2012 में एक बार फिर गोपा मऊ का नाम विधानसभा की लिस्ट में आया। इस साल हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो गोपा मऊ सीट पर सपा के श्याम प्रकाश को जीत मिली थी। उन्होंने कुल 67,430 वोट प्राप्त करके अपनी जीत तय की थी। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्याम प्रकाश ने 87,871 मत पाकर विजय हासिल की, जबकि सपा की राजेश्वरी देवी को 56,493 मत मिले थे। इस सीट पर लगभग 3,55,000 मतदाता हैं, जिनमें से 1,95,000 मतदाता पुरुष हैं, वहीं 1,55,000 मतदाता महिला हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सुनीता देवी कांग्रेस से, श्याम प्रकाश बीजेपी से, श्रीमती राजेश्वरी सपा से और सर्वेश कुमार बसपा से, साथ ही रुद्र प्रताप शाही आम आदमी पार्टी से मैदान में है। अब बात करते हैं सांडी विधानसभा सीट के बारे में। सांडी विधानसभा सीट ऐसी सीट है जहां दलित वर्ग के बड़े राजनीतिक परिवार का दबदबा रहा है। कभी बिलग्राम विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा रही सांडी सीट नए परिसीमन के बाद 2012 के चुनाव में अस्तित्व में आई थी। यहां पहली बार 2012 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी ने कड़ी टक्कर दी थी। इसमें समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार राजेश्वरी ने 66,325 वोटों के मार्जिन से बसपा के वीरेंद्र कुमार को 6,650 वोटों से हरा दिया था। इस चुनाव में बसपा प्रत्याशी को 59,675 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के ओमेंद्र कुमार वर्मा 27,261 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। भाजपा के राम गोपाल मात्र 4,066 वोट पाकर चौथे स्थान पर रहे। 2017 में यह सीट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के हुए गठबंधन में कांग्रेस के खाते में गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में प्रभास कुमार को चुनाव मैदान में उतारा था, जिन्हें 72,244 वोट मिले, जबकि उनके मुकाबले कांग्रेस के ओमेंद्र कुमार वर्मा को 51,419 मत मिले थे, जबकि तीसरे नंबर पर रहे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार वर्मा को 50,447 मत प्राप्त हुए। इस बार ओमेंद्र कुमार वीरेंद्र दोनों बीजेपी में शामिल हैं। सांडी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता की सूची के अनुसार इस क्षेत्र में 3,22,546 मतदाता हैं, में 1,75,877 पुरुष हैं और 1,46,652 महिला मतदाता हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहां अनुसूचित जाति के मतदाताओं की तादाद अधिक है। ब्राह्मण क्षत्रिय यादव पाल धोबी कहार कुर्मी राजपूत कैस्त वैश्य जाति के साथ ही मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में आकांक्षा वर्मा कांग्रेस से, प्रभास वर्मा भाजपा से, उषा वर्मा सपा से, कमल वर्मा पुत्र सुंदरलाल वर्मा बसपा से मैदान में है। अब बात करते हैं बिलग्राम मल्लावा सीट के बारे में। बिलग्राम मल्लावा सीट पर पहली बार कांग्रेस के जेपी मिश्रा 1962 में विधायक बने थे। 1967 में निर्दल और 1969-1974 में कांग्रेस के टिकट पर ललन शर्मा ने जीत दर्ज की थी। वहीं 1977 से 1985 तक लगातार तीन बार निर्दलीय प्रत्याशी राम आश्रय वर्मा ने यहां परचम लहराया। वहीं 1989 में कांग्रेस पर फिर जनता ने भरोसा जताया और अर्धज्ञ मिश्रा विधायक चुने गए। इसके बाद जनता दल के बढ़े जनाधार से राम आश्रय 1991 में चौथी बार और 1993 में पांचवी बार विधायक चुने गए। 1996 में यहां सपा ने कब्जा जमाया और धर्मज्ञ मिश्रा दोबारा विधायक बने। 2002 में बदले सियासी समीकरण ने इस सीट पर बसपा को काबिज किया। इसके बाद 2002 और 2007 में लगातार दो बार कृष्ण कुमार सिंह विधायक रहे। वहीं 2012 में बसपा के टिकट पर ब्रजेश कुमार विधानसभा पहुंचे। वर्ष 2017 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आशीष सिंह आसू ने 83,405 मत पाकर समाजवादी पार्टी के सुभाष पाल को हराया था, जिन्हें 75,380 मत प्राप्त हुए थे। कुल मतदाता की संख्या लगभग 3,75,000 है, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 1,98,000 तो महिला मतदाता की संख्या 1,77,000 है। 2022 विधानसभा चुनाव में सुभाष पाल कांग्रेस से, आशीष सिंह आसू बीजेपी से, ब्रजेश कुमार वर्मा टिल्लू भैया सपा से, कृष्ण कुमार सिंह बसपा से और दीपक कुमार आम आदमी पार्टी से मैदान में हैं। अब बात करते हैं बालामऊ विधानसभा सीट के बारे में। 2012 में हुए परिसीमन में प्रदेश के 26 जिलों की कुल 126 विधानसभा सीटों का नामोनिशान मिट गया था। इस परिसीमन में प्रदेश के चुनावी इतिहास के पन्ने का अतीत बन चुकी विधानसभा सीटों की
सबसे अधिक हरदोई जिले की 6 सीटें थी। इन नई सीटों में से एक बालामऊ विधानसभा भी थी, जिसे सुरक्षित सीट बनाया गया था। बालामऊ विधानसभा सीट पर 2012 में चुनाव हुआ था। इसमें समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को कड़ी टक्कर दी थी। इस चुनाव में सपा ने मात्र 173 वोटों के कम अंतर से चुनाव जीत लिया था। इसमें सपा के अनिल वर्मा को 67,800 वोट प्राप्त हुए थे और बसपा के रामपाल वर्मा को 67,227 वोट मिले थे। साथ ही एनसीपी के सुरेंद्र टर्ड कुमार को 13,720 वोट मिले थे। कांग्रेस के राम आसरे को 12,076 वोट मिले थे और भाजपा के राजकिशोर वर्मा को 27,025 वोट मिले थे। इस सीट से 2017 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे रामपाल वर्मा को 74,917 मत मिले और उन्होंने जीत हासिल की, जबकि दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी की नीलू सत्यार्थी रही, जिन्हें 52,029 मत प्राप्त हुए, जबकि समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार और पूर्व मंत्री सुशीला सरोज को 45,507 वोट मिले। बालामऊ विधानसभा सीट के सामाजिक समीकरणों की बात करें तो यहाँ हर जाति वर्ग के लोग रहते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य इस विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, वैश्य, कश्यप मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम निर्धारित करने में मुस्लिम वर्ग के मतदाता भी अहम भूमिका में रहते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में सुरेंद्र कुमार कांग्रेस से, रामपाल वर्मा बीजेपी से, रामबाली वर्मा सपा से, तिलक चंद्र बसपा से और पीयूष प्रेमी आम आदमी पार्टी से मैदान में हैं। अब बात करते हैं संडीला विधानसभा क्षेत्र के बारे में। संडीला विधानसभा क्षेत्र महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ कभी कांग्रेस का झंडा लहराता था, लेकिन इसके बाद कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए सपा और बसपा ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया। संडीला विधानसभा सीट का स्वरूप 2008 के परिसीमन के बाद 2012 के चुनाव से बदल गया है। संडीला नगर और ग्रामीण, भारावन और कोथवा ब्लॉक की 9 ग्राम पंचायतों को मिलाकर इस विधानसभा सीट का गठन किया गया था। संडीला विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशियों ने 4 बार, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को 3-3 दफे जीत मिली है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को भी इस सीट से 1 दफे जीत मिली है। संडीला विलग्राम साउथ ईस्ट विधानसभा सीट के नाम से अस्तित्व में आई इस विधानसभा सीट के लिए 1951 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे। पहले चुनाव में यहां से 2 बार विधायक चुने गए थे। कांग्रेस के तिलक राम और लक्ष्मी देवी विधानसभा पहुंचे थे। 1957 में इस सीट का नाम संडीला सुरक्षित सीट हो गया। 1957 में भी इस सीट से 2 विधायक निर्वाचित हुए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मोहनलाल वर्मा और शंभु दयाल विधायक निर्वाचित हुए। 1962 में निर्दलीय पंचम, 1967 में जनसंघ के काशीनाथ, 1969 में नवाब घराने से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के कुदेसिया बेगम, 1974 में जनसंघ के काशीनाथ विधायक निर्वाचित हुए। संडीला विधानसभा सीट से 1977 में निर्दलीय और 1985 में कांग्रेस के टिकट पर कुदेसिया बेगम, 1989 में जनता दल के सुरेंद्र दुबे, 1991 और 1993 में बीजेपी के टिकट पर भारावन राजघराने के महावीर सिंह, 1996, 2002 और 2007 में बसपा के अब्दुल मन्ना लगातार 3 दफे विधानसभा पहुंचे। 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के पूर्व विधायक महावीर सिंह सपा में शामिल हो गए और सपा के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार अग्रवाल उर्फ रजिया को 90,362 मत मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अब्दुल मुन्ना को 69,969 मत प्राप्त हुए। बहुजन समाज पार्टी तीसरे स्थान पर रही और पवन कुमार सिंह 29,132 मतों से संतोष करना पड़ा था। इस सीट के सामाजिक समीकरणों की बात करें तो ये सीट अनुसूचित जाति जनजाति और मुस्लिम समुदाय की बाहुलता वाली सीट मानी जाती है। अनुमानों के मुताबिक इस विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव और अर्कवंशी मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यहाँ कैस्त, वैश्य, कहार और कुर्मी मतदाता भी अच्छी तादाद में है। संडीला विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है छुट्टा जानवरों और बेरोजगारी का। किसानों की परेशानी यह है कि छुट्टा जानवर लगातार फसलों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन से किसी प्रकार की मदद नहीं मिल रही है। क्षेत्र में किसानों को खाद बीज की भी समस्या बनी हुई है। कानून व्यवस्था को लेकर भी ग्रामीणों में नाराजगी है। पिछले साल जनवरी में भाजपा के ही एक नेता की मृत्यु होने के प्रकरण भी यहाँ सुर्खियों में रहा है। गरीबों को बांटने वाले सरकारी राशन की कालाबाजारी भी एक बड़ा मुद्दा है। 2022 विधानसभा चुनाव में
मोहम्मद हनीफ कांग्रेस से, श्रीमती अलका अर्कवंशी बीजेपी से, सुनील करवंशी SBSP से, अब्दुल्ला मन्नानी बसपा से और रघुवीर आम आदमी पार्टी से मैदान में हैं। इसी तरह की स्पेशल रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।